नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की खबरों की। गोरखपुर में आयोजित धरोहर संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला समेत तमाम लोग शामिल हुए। संगोष्ठी में कई विषयों पर मंथन और दूर दराज से आए हुए विचारकों ने अपने विचार रखे हैं। गोरखपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहनवाज हुसैन पहुंचे। आपको बता दें कि जनसंख्या कानून पर असमंजस में है शहनवाज हुसैन। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। आगरा में सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई के तहत 5 आरोपी नामजद कर 20 से 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तो सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय थी और आखिरकार 5 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कुछ की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। यूपी के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वही रहेगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें ही निर्णय तय किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को राकेश तिवारी को पाकिस्तान की नंबर से धमकी मिली है। वहीं मामले में राकेश तिवारी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को अपना शिकायत पत्र दे दिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राकेश तिवारी वर्तमान कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के जनसंपर्क अधिकारी हैं, जिनको धमकी भरे कॉल्स लगातार आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जिस नंबर से धमकी मिली है वो पाकिस्तान का है। तो बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है, जिसको लेकर राकेश तिवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर से पर्दा नहीं उठ सका है। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को धमकियां मिल रही हैं और बताया जा रहा है कि ये धमकियां पाकिस्तान के नंबर से मिल रही है, जिसको लेकर राकेश तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने गांधी प्रतिमा जीपीओ पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच उन्होंने राज्य में चल रही अव्यवस्था और महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहा, हालांकि वो मौन रही इसको लेकर। आपको बता दें कि लखनऊ में पूरी तरह से सक्रिय प्रियंका गांधी नजर आई हैं। प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं और आज उनके समर्थक भारी संख्या में नजर आए। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं गांधी जी की प्रतिमा पर प्रियंका गांधी ने माल्यार्पण किया और वहां पर कुछ भी कहने से वो बचती हुई नजर आई है। आप बता दें कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। इसके बाद से भी लगातार प्रियंका गांधी सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अलर्ट होकर अब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहीं पर 3 दिन रहेंगी। जनप्रतिनिधियों और नेताओं से तमाम बैठकें होने जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी मोदी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज बन रहा है। योगी सरकार में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जो कि लोकतंत्र की हत्या है। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर है। तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते रहते हैं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग नीति आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 27 मई को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्टाफ नर्स एएनएम और सीएचओ का तबादला किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। शिकायत मिलने के बाद संविदा कर्मियों का तबादला किया गया था। तो बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई कर्मियों के तबादले किए गए हैं, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया है। सुल्तानपुर में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले श्रावस्ती लुटेरों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश ट्रक ड्राइवर से 20,000 की लूट सहित कई मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 2,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती लुटेरे काफी ज्यादा सक्रिय है। बताया जा रहा है कि बंगाल का रहने वाला है श्रावस्ती चोर, जो कई मामलों में वांछित चल रहा था, आखिरकार पकड़ लिया गया है आरोपी को। साथ ही साथ उसके पास से तमंचे और नकदी भी बरामद कर ली गई है। मेरठ में थाना टीवी नगर क्षेत्र के विद्यासपुर चौकी के पास मजदूरी करके आ रहे मजदूरों को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़ित मजदूरों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार दबंगों का आतंक उत्तर प्रदेश में बरकरार है। मेरठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ तस्वीरें सामने आई है और थाने की तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ दबंग जो है दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पीटा जा रहा है वो मजदूर हैं और दबंग उन पर हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और थाने के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पुलिस जो है मुंतस्तक बनी हुई नजर आ रही है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो मेरठ की तस्वीरें, मेरठ में दबंगों का आतंक लगातार बरकरार है और इस तरह की पहली तस्वीर सामने नहीं आई, इससे पहले भी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी है। मथुरा के वृंदावन में आगरा की एक युवती ने यूनिवर्सिटी के छात्र पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि आरोपी मथुरा की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है। तो आगरा का एक पूरा मामला जहां पर एक युवती ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और साथ ही साथ कहा है कि उसने लगातार उसका यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अगर बात आगरा की जाए तो आगरा में लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के बर्रा हाईवे के किनारे स्थित एक गेस्ट हाउस में देर रात नशेबाजों ने गेस्ट हाउस मैनेजर सहित नाबालिग लड़की की जमकर पिटाई कर दी। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के साथ मैनेजर ने बर्रा थाना पुलिस से मामले की शिकायत की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नशेबाजों ने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी है और ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस और गिरफ्तार कर लिया गया है युवकों को। तो बारात घर का मामला है जहां पर जो बारात घर का मैनेजर था उसके साथ कुछ लोगों ने मार पिटाई की और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नशेबाज ने बताए जा रहे हैं जिन्होंने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो लोग यहां पहुंचते हैं, मैनेजर को उठाते हैं और उसके साथ उससे बदसलूकी करते हैं और मारपिटाई करते हैं। अलीगढ़ के सासरी गेट इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने स्कूटर सवार सुनार को तमंचा दिखाकर 2 लाख के जेवरों से भरा बैग लूट लिया और भाग गए।
लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, तमंचे के बल पर लूट की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अलीगढ़ का एक पूरा मामला है जहां पर सासनी गेट में कुछ युवकों ने तमंचे के बल पर इकतदार से लूट की घटना को अंजाम दिया और ये युवक कोई और नहीं बदमाश है और कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें और पूरा मामला उस जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक पर सवार होकर बदमाश भागते हैं और जो साफा व्यापारी है उसे लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 2.5-3 लाख के जेवरात उसके पास थे जो कि बदमाश लूट कर फरार हो गए हैं। सुल्तानपुर के बदिरा इलाके में ससुराल आए एक युवक को वहां पहुंचना भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शख्स ससुराल आया था और युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आसपास के राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली जिले के हाफिजगंज इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने दो घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना में आकर दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में लिया और घायलों को अस्पताल भेज दिया है। फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला में कृपा देवी के मकान से संतोष के मकान तक गली पूरी तरह टूटी है। नालियों का पानी सड़क पर आने से कीचड़ भर गया। वहीं दोनों मोहल्लों के बाशिंदों ने पत्र लिखकर अधिशासी अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस तरह की तस्वीरें फर्रुखाबाद से लगातार सामने आ रही है जहाँ पर सड़कें पूरी तरह से लबालब भर जाती है। बरसात के मौसम में आसपास के लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आसपास के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बरसात के मौसम में नाले उफान पर आ जाते हैं, लोग बच बच कर इस कीचड़ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार पत्र लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हर साल बारिश में इन इलाकों का यही हाल होता है। लोग मजबूर होकर शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ले में एक युवती ने खुद को कमरे में बंद करके गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीएसटी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती ने खुदकुशी की है। युवती की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके साथ ही जिस तमंचे से गोली चली है उसे भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मथुरा के नए बस स्टैंड के पास हलवाई की दुकान पर ग्राहक बनकर आए स्वाति चोर ने काउंटर पर रखे मोबाइल की चोरी कर ली। वहीं घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ पुलिस हलवाई ने तहरीर दे दी है। इसी के साथ पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वाति चोर ने हलवाई की दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, स्वाति तरीके से फरार हो गया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से वो बच नहीं पाया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फिलहाल हलवाई ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। सीसीटीवी के आधार पर
पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शख्स हलवाई की दुकान पर खड़ा है, कुछ सामान ले रहा है और जैसे ही हलवाई दूसरी तरफ देखता है वैसे ही फोन उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। अलीगढ़ में एसपीसीटी ऑफिस के बाहर गाड़ी चकराने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर गाड़ी गलौज और मारपीट होने लगी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने लेकर आई है। अलीगढ़ का एक बुरा मामला है जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, गाड़ी गलौज हो गई, मारपिटाई होने लगी। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हो रही थी। दोनों पक्षों के व्यक्तियों को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई है। सिंगरा के रोडवेज चौकी प्रभारी मोहम्मद कोफियान खान ने तीन ट्रैफिक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी किए गए 64 एंड्रॉइड मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। तो चोरी के मोबाइल से साइबर अपराधी लगातार चांदी काटा करते थे। पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी। कई शिकायत पहुंचे जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और इन ट्रैफिक चोरों के पास से 64 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज ऑन इंडिया के साथ। तो बता दें, लगातार डेल्टा वेरिएंट